फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं आरटीआई एसकेके न्यूज एजेंसी। हमारे साथ और भी सहयोगी चैनल यहां मौजूद हैं। आप भी अपने चैनल पे अपने तरीके से हमारी इस वीडियो को चला सकते हैं क्योंकि ये न्यूज एजेंसी है। हम आज एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जो एक व्यक्ति हैं, आप देख पा रहे हैं हमारे साथ में, बूढ़े हैं, काफ़ी उम्र है इनकी। ये एक जगह लिफ्ट मैन का काम करते हैं मलाड वेस्ट के इलाके में। जब ये बैंक गए थे अपने सैलरी के लिए, पैसे निकालने के लिए मकान मालिक को देने के लिए, तब इन्होंने एक व्यक्ति से मुलाकात की। जब ये नहीं निकाल पा रहे थे बैंक से पैसे, तो उस व्यक्ति ने इनकी मदद करने के लिए आगे आया और उस व्यक्ति ने इनका जो एटीएम कार्ड होता है वो बदल दिया और बदल कर वो चला गया। ये इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि कैसे ये घटना घटी कि उसने आपका एटीएम कार्ड बदल दिया और दूसरे एटीएम से जाके उसने पैसे भी इनके निकाल दिए। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम बताइए पूरा। राम खेलावन जी। राम खेलावन। राम खेलावन आपका नाम है जी। आप यहाँ मुंबई में कब से रहते हैं सर? एक साल हो रहा है, करीबन 9 महीना। तकरीबन 9 महीने से आप यहाँ रहते हैं। क्या काम करते हैं? लिफ्ट मैन का काम करते हैं। कहाँ पे, एड्रेस क्या है आपका? अस्मिता ज्योति में आप लिफ्ट का काम करते हैं, मलाड में ही है? हाँ। ओके, ए टू। कब से करते हैं आप वहाँ पे जॉब? जनवरी से करते हैं। मतलब इस वक्त अगस्त से, मतलब 7 से 8 महीने आपको वहाँ हो चुके हैं? हाँ, अगस्त में आपका 8 महीने पूरा हो गया। ओके, तो आपको जो सैलरी दी जाती है वो कैश में दी जाती है या बैंक में दी जाती है? बैंक खाता में आता है। बैंक खाते में आपका सैलरी आता है। तो आप क्या पहली बार इस बार बैंक गए थे एटीएम से पैसे निकालने, या पहले कभी गए हैं? नहीं, दो तीन बार निकाला। तो ये समस्या कैसे हुई जो आप बता रहे हैं, वो बताइए स्टोरी कैसे हुआ। सर, मुझे एटीएम की विषय में पूरी जानकारी नहीं है जी। तो एक बार डाला तो नहीं आया पैसा जी, तो वो आ गया काला, मैं चेक करता हूँ। अच्छा, क्या एज रही, कि जवान है या वो भी बूढ़े टाइप के थे? नहीं, वो लौंडी टाइप में थे। जवान लड़का एकदम? आपसे कम थोड़ा हुए। ओके, 20-25 साल हो गए उनकी। हाँ, समझदार आपको लगे रहेंगे कि लेटेस्ट जमाने के हैं तो ज्यादा नॉलेजेबल हैं। करीब वो लोग दो थे। अच्छा, दो लोग थे। ओके, तो क्या हुआ, पूरा स्टोरी बताइए आगे। वो लोग मदद करना है तो क्या की? तो डाला, मेरा एटीएम कार्ड डाला, नहीं आया। फिर अपना डाला, वो भी नहीं आया। फिर मेरा, फिर दोबारा ले लिया, फिर डाला, नहीं आया। मेरा ध्यान भटक गया, मैं चला आया और वो एटीएम मेरा ले जा करके दूसरी एटीएम से निकाल लिया। अच्छा, तो आपने उससे अपना एटीएम कार्ड नहीं मांगा? ध्यान हट गया सर। ओके, तो आपको उसने अपना एटीएम कार्ड नहीं दिया। तुम्हारा एटीएम कार्ड किधर है? उसी पास है। और उसने तुमको एटीएम कार्ड दिया? वो उसका एटीएम कार्ड मेरे पास है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसने अपना एटीएम कार्ड, जो कि शायद बंद होगा, इनको दिया और इनका एटीएम कार्ड वो लेके चला गया आगे। कहाँ पे हुआ ये घटना, कौन से एटीएम में हुई, कहाँ पे? मालवनी गेट नंबर 6 में, सामने बगल में। मालवनी गेट नंबर 6 में एटीएम है। कौन सी बैंक का है? यूनियन बैंक का एटीएम है। हाँ। वहाँ पे आप पैसे निकालने गए थे जी। नहीं कर पा रहे थे करके एक व्यक्ति आपकी मदद के लिए आगे आया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, आप आ गए? तो मैं आया तो चला गया शाम को ड्यूटी। ओके, तो ड्यूटी में पार्सल लेके आते डिलीवरी। हाँ। तो एक लड़का आपकी उम्र का था, उसने कहा चाचा आपका एटीएम कार्ड बदल गया है। अच्छा। अगर एटीएम कार्ड उसके पास है तभी पैसा निकाला है। अच्छा। हो सकता है वो एटीएम आपका, अपना एटीएम आपको दे दिया होगा। हाँ। आप कमरे पे जाकर एटीएम चेक करो। आज मैं सुबह 8:30 बजे आज पहले एटीएम कार्ड ही चेक किया। ओके, तो क्या बताया आपने? एटीएम कार्ड देखा तो उसका नाम लिखा है, दूसरे का नाम। हाँ, सैनी प्रकाश, वो एटीएम आपके पास मौजूद है। ओके, वो उसका नाम है, उसने जो एटीएम बदल दिया उसका। हाँ। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, आपके महीने भर की पगार का है, आपके यहाँ पे घर खुद का है या भाड़े पे रहते हैं? यहाँ भाड़े पे रहता हूँ। तो आपके मकान मालिक ने कुछ बोला भाड़ा वगैरह देना है आपको कि नहीं? देना तो है। अच्छा, इसीलिए आप गए थे निकलने? जी हाँ। ओके, तो आपने देखा कि हमने बातचीत किया एक बूढ़े व्यक्ति हैं, जो हम कहते हैं कि हमारे जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं वो एटीएम या इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें होती है उस पर थोड़ा कम बिलीव करते हैं, उनको इतना समझ उस लेवल पे नहीं होता है। लेकिन जो नए जनरेशन के लोग हैं, हमें लगता है कि उनको ज़्यादा नॉलेज है, बहुत अच्छा वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारे साथ यहाँ पे ये एटीएम कार्ड है, ये एटीएम कार्ड उस चोर का है जिसने इनके साथ फ्रॉड किया है। एटीएम कार्ड उसने अपना इनको दे दिया और इनका एटीएम कार्ड कहीं और एटीएम में ले जाके उसने इनके अकाउंट से पैसे निकाले। कितने निकाले चाचा पैसे? 7,300 रुपया उसने इनके अकाउंट से निकाल लिया और अपना बंद एटीएम कार्ड इनको दिया। अब इस पे देख सकते हैं नाम लिखा है सानी प्रकाश मिश्रा।
ये एटीएम कार्ड इनको देकर गया है बंदा, हो सकता है ये भी एटीएम उसका ना हो, किसी और का हो। हम गुजारिश करेंगे शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द इनकी मदद करें। हम इनके साथ अब मालवनी पुलिस स्टेशन जाएंगे और देखेंगे वहां पे पुलिस डिपार्टमेंट इनकी किस तरह से मदद करता है। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए हम बना रहे हैं, लोगों के जागरूकता के लिए बना रहे हैं, तो लोग हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि लोगों को इससे सीखने मिले और लोग इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। धन्यवाद। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाए कॉल।